मंडळी विश्व ब्राह्मण महापरिषद द्वारा आयोजित भगवान परशुरामाची पराक्रमी गौरव गाथा संपूर्ण भारतातच नव्हे तर विश्वात प्रचार प्रसार करण्याच्या हेतूने श्री परशुराम यात्रेचे आज मलकापुरात भव्य स्वागत करण्यात आले. युगल पीठाधीश्वर आचार्य राजेश्वरजी महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सदर रथयात्रा निघाली आहे. चला तर पाहूया या रथयात्रेचे स्वागत. आता आपण आचार्य राजेश्वरजी महाराज यांचे या यात्रेमागील उद्देश त्यांच्याच मुखातून ऐकूया. उद्देश्य भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र का प्रचार प्रसार, उनके नाम यश और
संगठित इसलिए कि हमारा आपस में संपर्क नहीं, ऐसा जमाना आ गया कि एक साथ खड़े दिखेंगे तो लोगों को लगेगा अरे भीड़ है और भीड़ का हमेशा सम्मान होता है। आज के जमाने आज का समय ऐसा हो गया है, भीड़ को देख के भय भी लगता है, भीड़ का सम्मान भी होता है, भीड़ का महत्व भी होता है। तो ऐसे में हम लोग इतनी बहुत आबादी के होने के बाद भी इस देश में हमारी महत्ता इसलिए रहती है कि हम संख्या में तो बहुत है लेकिन हम एकजुट नहीं है, एक दूसरे के संपर्क में। और उनकी इसी बात पर फिर और भी कई घटनाओं में चर्चा करी कि भाई क्या कारण है, सबसे बड़ा कारण क्यों नहीं की नजर आया, महाराष्ट्र में सक्रिय है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक कहीं भी चले जाइए, हर जगह ब्राह्मण सक्रिय है, वहां उनके अलग अलग संगठन भी चल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई संपर्क की बात आती है तो उनका आपस में संपर्क नहीं है। देखिए पहले तो ये बना उसमें भी कई बात आए क्योंकि क्या कार्यक्रम किया गया, तो सबने कहा कि सबसे पहला काम पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के ब्राह्मणों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, एक दूसरे से जोड़ा जाए, एक नेटवर्क कायम किया जाए। तो नेटवर्क कायम करने के लिए क्या करें, तो सबने एक स्वर में कहा कि ऐसी यात्रा हो जिससे जिससे सबको जोड़ा जाए, और तब उस यात्रा का नाम परशुराम यात्रा इसलिए रखा गया क्योंकि देखिए आपके और मेरे बस की बात नहीं है ब्राह्मणों को एकजुट करना, संगठित करना, लेकिन भगवान परशुराम जी ने काम पहले किया हुआ है। अब जिसका अनुभव पुराना जिसका अनुभव हो उसी को साथ लेके चलो ना भाई, और वो तो कल भी थे आज भी है और कल भी रहेंगे क्योंकि वो सब चिरंजीवियों में से एक है जो हमेशा रहने वाले हैं। इसीलिए हमने उन्हीं से प्रार्थना की कि भगवान आपकी कृपा होगी क्यों हमारे आपके साधारण मानव की इन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को जो अलग अलग गोत्रों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़े हुए हैं इनको जोड़ना संगठित करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन आपने पहले ये काम किया हुआ है, आपने पूरी पृथ्वी के ब्राह्मणों को एक सूत्र में बांधा हुआ है, संगठित किया हुआ है, इसलिए आप हमारे साथ इस रथ पर विराजमान होइए। आपकी यदि कृपा होगी तो ये ब्राह्मण समाज एक बार फिर से संगठित भी होगा और संगठित होकर हमने आपको मजबूती से सबके सामने प्रस्तुत भी कर पाएंगे। और इसीलिए भगवान परशुराम जी को लेकर के उनके नाम से चले हैं परशुराम यात्रा। एक और तीन उद्देश्य हमारे जो है उनमें पहला उद्देश्य ये है कि लोग जाने कि भगवान परशुराम कौन है, उनकी क्या महिमा है। साधारणतया क्योंकि कुछ मिथकों का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, साधारणतया जब भी भगवान परशुराम जी की बात आती तो लोग क्या बात करते हैं, या तो लोग कहेंगे कि वो बहुत क्रोधी ऋषि है, उनका स्वभाव बड़ा तेज है, उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, या फिर दूसरी बात अक्सर ये सुनने को मिलती है कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय नियुक्त कर दिया है, जबकि दोनों ही बातें गलत है। ना तो भगवान परशुराम क्रोधी है और ना ही उन्होंने एक बार भी इस पृथ्वी को क्षत्रिय नियुक्त किया। पहली बात क्रोधी तो इसलिए नहीं है भाई, क्रोधी तो वो व्यक्ति होता है जो छोटी छोटी बात पर क्रोध करे, अकारण क्रोध करे, अब बिना बात के कोई गुस्सा करे उसको तो क्रोधी कहेंगे उचित होगा, लेकिन भगवान परशुराम ने तो कभी भी बिना बात के कभी अकारण क्रोध नहीं किया। उन्होंने पहली बार क्रोध तब किया जब उनके पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गौ को एक मनोन्मत्त अभिमानी राजा सहस्त्रार्थ द्वारा धर करके ले गया, जबरदस्ती उठा करके ले गया, और तब पिता ने आवाज दी कि राम, और तब राम तपस्या छोड़कर के आए और तब पहली बार उनको क्रोध करते हुए देखा गया। उन्होंने क्रोध तब किया जब उनके पिता समाधि में बैठे हुए थे और समाधि में बैठे हुए उस निरपराध ऋषि का सहस्त्रार्थ उनके पुत्रों के द्वारा समाधि अवस्था में वध कर दिया गया, तब उन्होंने क्रोध किया। अब भाई ऐसी परिस्थिति तो आप और हमने से किसी साधारण से साधारण मानव के सामने उपस्थित हो जाए तो क्रोध आना स्वाभाविक है, आप हमको भी क्रोध आएगा अगर हमारे साथ में ऐसी घटना हो तो। मात्र इसलिए हम उनको क्रोधी कहें कि उन्होंने इन विधर्मियों का, इन दुष्टों पापदाइयों का प्रतिकार किया, जब उनके हाथ में फरसा है इसलिए वो क्रोधी है, नहीं उचित है। वो चार वेदों के ज्ञाता ऋषि हैं जिनके लिए कहा है कि अत्रदश चतुरो वेदा पृष्ठतः शश्रद्धं, पृष्ठतः पीठ पर पीछे की तरफ, भाई जो धनुष को पीछे रखता है वो क्रोधी नहीं हो सकता।
पीछे हम उसी वस्तु को रखते हैं जिसका उपयोग यदा कदा कभी कभार होता है, लेकिन जिस वस्तु का अगर वो क्रोधी होते तो धनुष पीछे नहीं होता, सामने होता, क्योंकि सामने हम उस वस्तु को रखते हैं जिसका उपयोग सर्वाधिक होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा है, अग्रत चतुरो वेदा, उनके सम्मुख उनके सामने वेद रहते हैं, इसका मतलब है वो वेद पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन और मार्ग प्रशस्त करना उनका काम है, वो क्रोधी नहीं है। वास्तविकता तो ये है वो क्रोधी ऋषि नहीं, एक श्रेष्ठ शिक्षक है, ऐसे शिक्षक जिनके पास स्वयं भगवान कृष्ण बलराम भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण और भी कई योद्धाओं ने जाकर अस्त्र शस्त्रों के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो ब्रह्मांड नायक है। ऐसे ब्रह्मांड नायक जिनसे मिलने के बाद ही लोगों ने जाना राम कौन है, उनसे मिलने के बाद ही लोगों ने जाना कृष्ण कौन है, क्योंकि राम को नारायण धनुष सौंप करके और श्री कृष्ण को सारंग धनुष और सुदर्शन चक्र सौंपने वाला कोई और नहीं था, भगवान परशुराम उन्होंने इनको सौंप करके शक्ति संबंध बनाया। अब भगवान परशुराम श्रेष्ठ शिक्षक है चारों, और फिर वो कोई साधारण मानव नहीं है, वो स्वयं भगवान नारायण है, और नारायण का तो अवतार ही कहा है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे। जब जब भी अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म का ह्रास होने लगता है, उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, कभी वो निशंक कभी वो नारद सत्ता भी कभी प्रथम कोई नहीं, मत्स्य वामन धर्मत्री ऋषभदेव और वही रामकृष्ण बलराम, तो धर्म की स्थापना के लिए वही परशुराम बनकर के अवगत हो जाते। अब भाई जब स्वयं नारायण ही परशुराम बनकर के आए हो तो हम भगवान को भी क्रोधी कहेंगे, जब धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने क्रोध किया है तो भाई वेद कहता है कि धर्म की स्थापना के लिए किया गया क्रोध अनुचित नहीं है, जब धर्म की स्थापना के लिए किया गया क्रोध उचित है, सही है, ठीक है, तो फिर भगवान परशुराम भी क्रोधी नहीं। उनके एक शिष्य जिनका नाम कर्ण है, कर्ण कहते हैं मेरे गुरुदेव इतने सरल सहज और सौम्य है, एक बार बोले कथा सिर दिखा करके मेरे घुटने पर सो गए, उनको नींद आ गई गहरी नींद आ गई, और उसी समय मुझे एक कीड़े ने बार बार काटा, मैं लुहलुहान हो गया, कष्ट हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी जब मैंने अपने गुरुदेव को देखा तो उनके मुख की सरलता सहजता और सौम्यता को देख करके मैंने मन ही मन निश्चय किया कि भले मुझे कितना ही कष्ट क्यों नहीं हो जाए पर मैं अपने गुरुदेव की निद्रा भंग नहीं होने दूंगा, उनको क्षोभ नहीं होने दूंगा। वास्तव में इतने ही सरल सहज और सौम्य प्रकृति के ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी है भगवान परशुराम। ये भगवान परशुराम इसीलिए हम कहते हैं वो क्रोधी ऋषि नहीं है, वो एक श्रेष्ठ शिक्षक है, माता के सबसे स्नेहशील पुत्र है, पिता के आज्ञाकारी पुत्र है, परिस्थिति जैसे निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता ऐसी कि पिता की आज्ञा हुई कि माता का मस्तक काट दो, भाइयों का मस्तक काट दो। उन्होंने मन में विचार किया कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़े होकर के मुझे ये आज्ञा दे रहा है कि माता और भाइयों का मस्तक काट दो, वो कोई साधारण मानव तो है नहीं, वो तो स्वयं भगवान स्वयं सप्त ऋषियों में से एक महर्षि चंद्रकी है, और महर्षि चंद्र की वो मां तो कोई नहीं सकता है दुनिया में, लेकिन इनके पास तो जीवन दान देने की सामर्थ्य है, इन्होंने संजीवन विद्या को सिद्ध किया है, इसके बाद भी ये मुझे मारने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब मेरी परीक्षा की घड़ी है। परशुराम ने कहा कि पिता से यदि आपकी प्रसन्नता इसी बात में है कि आपकी आज्ञा का पालन हो तो ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, और आप आज्ञा का पालन भी कर दिया और कहा कि अब तो आप प्रसन्न है, बोले मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो और मान लो, बोले पहले पहला बता दीजिए कि मेरी माँ और मेरे भाई पुनर्जीवित हो जाए, और दूसरा
ये जो महासत्ता
अपना आने वाले 50-100 साल तक इस समाज के लिए उपयोगी काम है। और इसीलिए तीसरा उद्देश्य तय किया गया ग्रामीण हेल्पलाइन की स्थापना। एक नंबर होगा जिस पर पूरी दुनिया में बैठा हुआ कोई भी ब्राह्मण पंडित उसका लाभ उसकी सहायता ले सकेगा, क्योंकि जो फोटो की हर तहसील और हर जिला मुख्यालय के सारे ब्राह्मणों का डाटा इकट्ठा कर रही है, उस सारा डाटा उस हेल्पलाइन के साथ जुड़ा जाएगा। एक बड़े कॉल सेंटर की तरह वो हेल्पलाइन काम करेगी, जिस जो अपने आप में बहुत बड़ा डाटा बैंक होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये केवल ऐतिहासिक ही नहीं होगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान भी सिद्ध होगा, क्योंकि चार तरह से वो हेल्पलाइन काम करेगी। पहला सहयोग होगा एजुकेशन से संबंधित पेरेंट्स, किस हेल्पलाइन का नाम चूंकि उसके पास डाटा है उन दोनों को जोड़ना है जो भी जिले में रहने के बाद भी संपर्क। दूसरा, आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण समाज के सामने, लेकिन उतनी ही आश्चर्यजनक बात एक और है कि जो बच्चे बेरोजगारी के कारण समाज के परेशान है वही समाज इस देश में प्राइवेट सेक्टर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे रहा है, रोजगार दे रहा है। अब आप सोचिए कि एक तरफ बेरोजगारी के कारण बच्चे परेशान है, दूसरी तरफ आपका समाज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दे रहा है। आज भी संख्या में तो कम हो गए, जितनी संख्या में पहले आईएएस ऑफिसर आईपीएस या दूसरे अदर में और दूसरे चाहे जो भी स्ट्रीम में हो या दूसरे स्ट्रीम में जितने अधिकारी पहले हुआ करते थे 30% भी नहीं बचे, लेकिन जितने भी हैं वो महत्वपूर्ण पदों पर हैं। यहाँ तक इस देश की केंद्र सरकार ने हमारे ब्राह्मण समाज के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है लोकसभा में, लेकिन फिर भी जितने भी वो सबके सब एक श्रीमान है। और इसीलिए इस देश की केंद्र सरकार ने भी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं वो सारे ब्राह्मणों के पास है। आप चाहे देख लीजिए, इस देश का वित्त मंत्रालय, इस देश का रक्षा मंत्रालय, इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, उद्यान मंत्रालय, आप सोचिए 3-3, 4-4 मंत्रालय बाहर के प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, महेश शर्मा, शुक्ला जी, अश्विनी चौबे, निर्मला सीतारमण जो रक्षा मंत्री है, जेपी नड्डा, अब आप सोचिए 10-10, 11-11 मंत्री जिस समाज के हो, ये 3 करोड़ लोगों को जो समाज रोजगार दे रहा हो, जिस समाज के सबसे ज्यादा स्कूल संचालक, सबसे ज्यादा पत्रकार, सबसे ज्यादा वकील और सबसे ज्यादा मठों के मठाधीश और कथावक्ता हो, फिर भी उस समाज के बच्चे बेरोजगार है, तो सबसे बड़ा कारण केवल यही है कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, हमारा संपर्क नहीं है। हमको ये भी पता नहीं हुआ कि हमारे पड़ोसी जिले नागपुर में कितने लोग, कितने वहाँ व्यवसायी हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितने लोग यहाँ उनके यहाँ काम करते हैं, उनको कोई आइडिया। हेल्पलाइन का काम ये होगा जो बेरोजगार बच्चे हैं पूर्ण ब्राह्मण व्यवसायी से जोड़ा जाएगा, जो या तो सीधे रोजगार दे सकते हैं या फिर जो लोग डायरेक्ट या डायरेक्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं। तीसरा, आज हजारों की संख्या में इस देश में ब्राह्मण समाज के द्वारा बनाए हुए भवन, धर्मशाला, छात्रावास, पशुराम मंदिर और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनकी जानकारी मिलेगी ताकि हम लोग कहीं बाहर जाए तो होटल में 2,000 रुपये खर्च करने के बजाय 400 रुपये में एक सी कमरा हमारे ही समाज के भवन में हमको मिल जाए, उनकी सुविधाएं हमको, उनका लाभ हमको मिले, उनकी जानकारी मिले। और चौथा जो आर्थिक सहयोग इस हेल्पलाइन का होगा वो होगा सुरक्षा के संदर्भ में। कई बार हम लोग यात्रा पर बाहर जाते हैं किसी भी काम से, नौकरी काम करते, व्यवसाय करते, शादी निजी यात्रा पर, भगवान नहीं करे कभी कोई संकट आए, परेशानी आए, लेकिन फिर भी कोई संकट और परेशानी आती है, हेल्पलाइन को सूचना दी जाती है। हेल्पलाइन का सबसे पहला काम होगा कि वो व्यक्ति जहां भी है वहां के स्थानीय ब्राह्मण समाज के लोगों से संपर्क करके उस व्यक्ति की सहायता का प्रयास करे। यात्रा के 3 उद्देश्य आपके सामने रखे, लेकिन 3 अपेक्षाएं जरूर करते। पहली अपेक्षा, एक प्रकट हम सब लोगों को देते हैं जिसमें भगवान परशुराम जी की संक्षिप्त जानकारी है, हमारी इस यात्रा के उद्देश्य हमारे संपर्क सूत्र आदि है, वो हिंदी में छपा हुआ है, मैं समझता हूँ कि हिंदी शायद सब लोग पढ़ते होंगे, फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को तो हम सबको दे देंगे, लेकिन उसकी फोटो कॉपी होकर के हर ब्राह्मण परिवार तक, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण परिवार तक पहुंचे, ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में दूसरे ब्राह्मणों को भी पता चले जो यहाँ नहीं आए। दूसरी अपेक्षा, देखिए जो डाटा कलेक्शन का काम है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो ऐसे में हमारी जो फॉलोअप टीम आप लोगों से संपर्क करेगी तो 5-7 लोगों की टीम बना करके
बस वो आप मेल पे अपन सकते हो उसका परफॉर्म आ जाएगा उसको बस कॉल को आपको अलग अलग परिवार से कराना है चाहे दो चार छह महीने लग जाए क्योंकि यह हमारी यात्रा के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है लंबा काम है लेकिन हम अपेक्षा करते हैं उस डाटा कलेक्शन में आप हमारी मदद करें तीसरा तीसरी अपेक्षा देखिए कोई भी यात्रा हो कोई भी हेल्पलाइन हो कोई भी प्रोजेक्ट या संगठन हो बिना अर्थ के बिना धन के काम नहीं चलता है क्योंकि गाड़ियां तीन तीन गाड़ियां चल रही है फूल भी होता है ड्राइवर्स भी होते हैं टोल टैक्स और इनकम टैक्स और सारी चीजें लेकिन छोटे छोटे शहरों से इन बड़े प्रकोष्ठ को आसानी से पूरा किया जा सकता है इसलिए हम हर प्रकार से अपेक्षा करते हैं और निवेदन करते हैं कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस यात्रा के लिए और इस हेल्पलाइन के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें आय व्यवस्था जरूर है तो वे सामूहिक रूप से जो भी आप देते हैं केवल एक जगह आता मी एवढंच म्हणेल वीरों की दहाड़ होगी भूदेव की ललकार होगी इसी तरह ब्राह्मण एकता रही तो सारे विश्व में ब्राह्मण की एक बड़ी पहचान होगी। सावजी न्यूज टीवी करिता मी धीरज वैष्णव कैमरामन संदीप सावजी सह सा।